सो गुड मॉर्निंग यूट्यूब, और कैसे हैं आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। और अभी मैं हूँ खूटा घाट में, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये लोकेशन। और खूटा घाट पे बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, बहुत मैंने भी एक दो वीडियो खूटा घाट पे बनाया है। बट मैंने सोचा कि चलते हैं आज सुबह सुबह, क्योंकि सुबह कोई भीड़ रहती नहीं है, और थोड़ा एक सिनेमेटिक स्टाइल व्लॉगिंग का वीडियो बनाते हैं। बहुत दिन से मैंने व्लॉगिंग किया भी नहीं है, या तो मेरा वीडियो सिर्फ सिनेमैटिक रहता है या प्योरली व्लॉगिंग रहता है। तो ये एक दूसरा कॉन्सेप्ट है जो मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो देखिए और बताइएगा, फीडबैक दीजिए आपको कैसा लग रहा है। और इतनी प्यारी सुबह है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, एकदम शांत। अभी मेरे अलावा कोई भी नहीं है यहाँ पे, पक्षियों की आवाज़ है और मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उसके अलावा कुछ भी यहाँ पे भी नहीं है। और चलिए उधर चलते हैं आगे, वहाँ पे मेरा एक फेवरेट लोकेशन है जहाँ पे मैं बैठता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत पीसफुल है वो। और एक वहाँ जो आप पीछे देख सकते हैं, वहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा आता है, पूरा ये जो खूटा घाट, ये जो पूरा आइलैंड टाइप का है वहाँ से। तो कोशिश करते हैं वहाँ तक जाने की, अगर मैं पहुँच पाया तो वहाँ से भी आपको व्यू दिखाता हूँ। चलिए यही है वो लोकेशन, यहाँ से ऊपर जाते हैं। चलिए चलते हैं, कोशिश करते हैं ऊपर तक जाने की। बहुत ज़्यादा रिस्की है, व्यू तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी आपको दिखा रहा हूँ मैं, वो देखिए कितना ज़्यादा स्टिप है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं। ये देखिए यहाँ से जो व्यू है बहुत ही खूबसूरत है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और वो रहा जो गेस्ट हाउस है या रिसॉर्ट है, जो भी कह लीजिए आप खूटा घाट का। और ये एक सड़क जा रही है ऐसे, और उधर पानी, पीछे बैकड्रॉप पे माउंटेन, बहुत ही खूबसूरत। और इधर देखिए, यहाँ से आपको कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा, पूरा खूटा घाट डैम, वो नीचे से उधर से हम लोग आए हैं। और यहाँ काफ़ी वानर हैं, तो मैं अपना कैमरा नहीं छोड़ रहा हूँ, DSLR मैंने रख लिया है। चलिए अब किसी तरह नीचे जाते हैं, मिलता हूँ आपसे नीचे। नीचे जाते हैं किसी तरह से, जैसे आए थे। नीचे उतरना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है, तो यह थोड़ा रिस्की है, तो आप संभल के आइएगा अगर आ रहे हैं तो। मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ आप आएँ, बस मुझे एक व्यू दिखाना था, वो मैंने आपको दिखा दिया। और यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो रखी है, तो क्या बोल सकते हैं इसके रिगार्डिंग।
तो हाँ जी, यही है खूटाघाट डैम। बारिश के दिनों में जब पानी ओवरफ्लो होता है तो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। अभी तो पानी उतना है नहीं, और पीछे जो आप एक मंदिर देख रहे थे वो मंदिर पानी में पूरी तरह से ढक जाता है। और जब बारिश के बाद जब पानी कम होगी, मतलब अब गर्मी आ रही है, अब पानी धीरे धीरे जो स्तर है वो कम हो रहा है, तो अब आई थिंक वो मंदिर आप जा सकते हैं कुछ दिनों के बाद, मई जून में। अभी भी वो पूरी तरह से कवर्ड है हाफ, तो यही है। और ये डैम के ऊपर एक बना हुआ है, ये बारिश के समय बंद रहता है, अभी खुला है। तो मैं खुद पहली बार इस पर आया हूँ, सीढ़ी है, वहाँ से आप आ सकते हैं नीचे। तो बस गर्मी बहुत है, और मैं पुरानी क्लिप ऐड कर रहा हूँ बारिश के समय की, आप देखिएगा उसमें कितना खूबसूरत दिख रहा है और पानी कितना है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं, और किसी भी रीज़न से वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर नहीं अच्छा लगा हो तो बेशक डिसलाइक कर दीजिए, मगर फीडबैक दे के जाइएगा, वो मैटर करता है। चलिए चलते हैं अभी वापस बिलासपुर, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे। तब तक के लिए राइड सेफ एंड ऑलवेज वेयर योर हेलमेट। प्लीज लोकेशन मैंने आपको बताया था, काफ़ी पीसफुल है, मैं अक्सर वहाँ बैठता हूँ जब भी यहाँ आता हूँ। तो वहाँ पे मैं अभी वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि वहाँ एक कपल थे और वो बैठे थे, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लगा उन्हें डिस्टर्ब करना। उसका एक फ़ोटो है, मैं आप अटैच कर रहा हूँ वो लोकेशन, आप देखिएगा। ये पीछे आप जाएंगे तो कॉर्नर पर ही है, और बहुत अच्छी लोकेशन है, आप कभी भी आके वहाँ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं अगर आप पीसफुल थोड़ा चाहते हैं। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपसे।